I'm Meenal Pathak, corporate banker by profession and a fitness coach by passion. और आप देख रहे हैं नेशनल खबर. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक जिसके लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें लगा कि आज हमें इस टॉपिक पे आपके साथ बात करनी चाहिए. तो वो क्वेश्चन है कि आजकल सर्दी के टाइम में बहुत सारी डेथ्स ऐसी देखी गई हैं जो अनटाइमली हैं और वो कई बार खेलते हुए, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो डांस करते हुए हो और चाहे वो जिम में वर्कआउट करते हुए हो, ऐसी बहुत सारी डेथ सामने आई हैं और लोगों को इस बात से डर लग रहा है कि क्या वर्कआउट करना सही है, क्या ये डेथ्स वर्कआउट करने के कारण हो रही हैं. तो आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे. तो क्या जिम में वर्कआउट करना इज द सोल रीजन फॉर अ हार्ट फेलियर और अ कार्डियक अरेस्ट? बिल्कुल नहीं. आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे. जैसे आप किसी भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, क्या आप किसी जिम को ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं? नहीं. जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट टू इन टूडेज लाइफस्टाइल. आजकल हमारा क्या लाइफस्टाइल है? आजकल हमारे लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक ऑफिस गोअर हो, इनफैक्ट चाहे एक 20 से 25 साल का बच्चा भी हो, उसको अपने करियर से लेकर, उसको अपने स्टडी से लेकर बहुत स्ट्रेस रहता है. तो इस स्ट्रेस वाले माहौल में अलॉन्ग विद दैट आपकी जो डाइट्स हैं वो बहुत ही प्रोसेस्ड हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ सॉल्ट इन टुडेज डाइट. पीपल आर गोइंग फॉर बिंज ड्रिंकिंग, बिंज ईटिंग, फैट डाइट्स, या तो वो पूरा कार्ब्स छोड़ के बैठे हैं, चाहे वो लिक्विड डाइट्स पे हैं. इस तरह से आपकी बॉडी बहुत तरह के फिजिकल स्ट्रेस के अंदर होती है. बीइंग इन सच फिजिकल स्ट्रेस, यू पुश इट फर्दर इनटू अ जिम और अ वर्कआउट व्हिच इज नॉट एन इजी वर्कआउट. आप एक बहुत ही स्ट्रेनुअस वर्कआउट करते हैं एज अ पनिशमेंट टू योर बॉडी. आपने बहुत गलत खाया, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक की, आपने बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को पहले से फिजिकल स्ट्रेस में रखा है और उसके बावजूद आप एक वर्कआउट रिजीम ज्वाइन करते हैं व्हिच इज लाइक कि मैं इस वर्कआउट से अपनी बॉडी को शेप में लाने वाला हूं और मैं इस वर्कआउट से, चाहे वो कंसिस्टेंटली किया जाए या ना किया जाए, बट आज जो मैं एक वर्कआउट करने वाला हूं इससे मैं अपनी बॉडी को पूरी शेप में लाने वाला हूं. वो इतनी इंटेंसिटी और स्ट्रेन्यूअस वर्कआउट जब आप करते हैं तो वो वाला जो एक प्रेशर है वो आपका हार्ट नहीं झेल पाता है. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्कआउट रिजीम यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, गेट योर टेस्ट डन. व्हाट ऑल टेस्ट नीड्स टू गेट डन? आप अपने बेसिक सभी ब्लड टेस्ट करवाएंगे. गो एंड गेट इट चेक्ड वेदर यू आर प्री डायबिटिक. आप ये भी चेक करवाएंगे कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का क्लॉट्स या ब्लड क्लॉट्स नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स दीज ब्लड क्लॉट्स गोज अननोटिस्ड. और जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आपकी बॉडी में उस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, तब वो ब्लड क्लॉट सामने आता है. सो द होल आइडिया इज कि आपको ये चेक करवाना है कि आपकी बॉडी एक वर्कआउट के लिए रेडी है या नहीं. और दैट टू अ वर्कआउट देखा गया है कि लोग जब इस तरह के स्ट्रेस में होते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड भी होते हैं, उसके बाद आप जाके हैवी पंपिंग करते हैं, आप अपनी मशीन्स पे डेडलिफ्ट्स या बहुत ही ऐसी हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं जिससे आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ब्लड के साथ, तब ये हादसे होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं. सो द होल आइडिया इज कि जिम या वर्कआउट करना डेथ का रीजन नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जब आपके बॉडी ऑलरेडी बहुत सारे फिजिकल स्ट्रेसर्स के अंदर होती है और आपको ये लगता है कि इन सभी चीजों का आंसर एक वर्कआउट में छुपा है, मतलब आपका स्ट्रेस हाई है, आप खाना गलत खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, मे बी यू आर ऑन सम काइंड ऑफ अ मेडिकेशन, आफ्टर ऑल दिस यू फाइंड योर आंसर इन वर्कआउट एंड दैट टू नॉट एज अ कंसिस्टेंट पैटर्न बट दैट टू एज अ यू नो वन डे एक्सरसाइज, थिंकिंग कि आज हम जिम में जाके एक्सरसाइज को तोड़ने वाले हैं. सो तब हो जाते हैं ऐसे हादसे. तो आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी वर्कआउट करने से पहले अपने फिजिशियन को कंसल्ट करेंगे, बेसिक वर्कआउट रूटीन को फॉलो करने से पहले भी आप एक अपना इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे हु कैन गाइड यू, हु कैन अंडरस्टैंड योर बेसिक बॉडी फंक्शंस.
आपकी बॉडी के अनुसार आपको वर्कआउट दिया जाए जिससे आप इजीली उस वर्कआउट को अडैप्ट कर सकें। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि जितने भी वर्कआउट्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग योर ओवरऑल लाइफ स्पैन, आपकी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, इन सब चीज़ों को वो बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर उसे एक प्रॉपर पैटर्न से, एक प्रॉपर प्रोग्राम से फॉलो किया जाए, इट कांट बी कि आपने एक दिन वर्कआउट किया, आपने फिर एक महीने के लिए वर्कआउट छोड़ दिया, आप फिर बहुत स्ट्रेस में रहे और आपको लगा कि आज से मैं फिर वर्कआउट करने वाला हूँ और सारी प्रॉब्लम से निजात पाने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद उसी दिन आप बहुत हैवी वर्कआउट कर लें। द आइडिया इज टू फॉलो अ पर्टिकुलर यू नो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ योर वर्कआउट्स। अलोंग विद दैट स्टार्ट वॉचिंग योर स्लीप। आपका स्लीप एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर होल लाइफ स्टाइल। देन स्टार्ट वॉचिंग योर डाइट। वॉट इज द कंटेंट ऑफ फाइबर इन योर डाइट? हाउ मच वाटर इनटेक डू यू हैव इन अ डे? हाउ मच प्रोटीन आर यू टेकिंग इन ऑल योर मील्स? और इसके साथ साथ अगर आप एक बिगनर हैं और आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, वाई नॉट स्टार्ट इट विद बेसिक वॉक्स? एक ब्रिस्क वॉक एक बहुत बढ़िया वर्कआउट है, ये आपके हार्ट के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको किसी तरह का वर्कआउट करना है तो आप वो जिम से ही आपको स्टार्ट करना है। व्हाई नॉट स्टार्ट विद वॉक्स? आप 20 टू 30 मिनट्स की वॉक डेली मॉर्निंग और इवनिंग में कीजिए और आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। धीरे धीरे आप फिर बॉडी वेट वर्कआउट ऐड कीजिए, समथिंग लाइक आप पुशअप्स कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए, लंजेस कीजिए, ये सब स्ट्रेंथ वर्कआउट है। बट नॉट नेसेसरली कि आपको पहले दिन ही वेट्स को उठाना है, आप अपने बॉडी वेट के साथ इन वर्कआउट को कर सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी का एंड्योरेंस इंक्रीज होगा, जैसे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आप धीरे धीरे फिर जिम इक्विपमेंट के साथ भी वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे। कीप वॉचिंग नेशनल खबर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।